आईयूपीएसी नेम ऑफ आईयूपीएसी नेम, इसको मैं स्ट्रक्चर को पहले खोल के लिखूं क्या? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड CH, नीचे क्लोरीन है फिर CH2, फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से वो दो इथाइल लगे हुए हैं, यानी कि ये जो नाइट्रोजन है ना ये इससे ये दो इथाइल लगे हुए, एक इथाइल ये और एक इथाइल ये, ठीक है ये दो इथाइल, और फिर ये कार्बन है ये वाला, और आगे वाला कार्बन ये जिससे नीचे क्लोरीन लगा हुआ है, और फिर ये कार्बोक्सिलिक, सही है ना, कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, तीन कार्बन ही है इसे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन, इसमें पेरेंट चेन में आपके तीन कार्बन है, और नंबरिंग यहीं से होगी, मैं नहीं है 1 2। अब इसका नाम है, अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो आप इसको एमिनो कहते हैं, एमिनो सब्स्टिट्यूएंट को एमिनो कहते हैं, और इसको क्लोरो कहते हैं। अब ये फिर एमिनो में भी आपने दूसरे सब्स्टिट्यूएंट एक्स्ट्रा लगा दिए, तो फिर और वो नाइट्रोजन से लगा है, इसलिए एन एन डाइथाइल, एन एन डाइथाइल कहाँ है, एन एन डाइथाइल एमिनो। देखो अगर यहां पर NH2 होता, ये NH2 होता तो आप एमिनो बोलते, लेकिन एमिनो के एक छठा का इथाइल लगा, एक छठा का इथाइल लगा, तो एन एन डाइथाइल एमिनो है ये, ये क्यों है, ये एन एन यानी कि नाइट्रोजन से डाइथाइल दो इथाइल लगे हुए, यानी कि वो एमिनो था, एमिनो में भी आपने कुछ चेंज कर दिया, इसलिए कॉम्प्लेक्स बन गया, और कॉम्प्लेक्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसा वाला ब्रैकेट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फाबेटिकली सी पहले आ रहा है, इसके अंदर तो डी आ रहा थी। अच्छा कॉम्प्लेक्स का पहला वर्ड हमेशा इस्तेमाल होता है, ये नहीं है, ये वाला एन नहीं होता, वो होता है इसका सी, इसलिए 2-chloro एन एन डाइमिथाइल एमिनो प्रोपेन नोइक एसिड, ये आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीनियर वो एसिड ही रहेगा।